हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन, योर पर्सन फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, आपके पर्सन किस वक्त करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन करंट फीलिंग्स, सॉरी करंट नॉट एनर्जी, फीलिंग्स। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। चलिए लेट्स सी, चेक करते हैं कि मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ये पर्सन क्या सोच रहा है। लेट्स सी, चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, पीस एंजल्स ऑन स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर आपके लिए इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जिस वक्त ये वीडियो आपके आपके सामने आती है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हाई प्रिंसेस, ये पर्सन साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। यहाँ पर आप लोग के बीच कोई स्टेबिलिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्टेबिलिटी फ्यूचर में होगी या नहीं। कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट है, आपके पर्सन खामोश होके बैठे हुए हैं। खामोशी आपके पर्सन ने बहुत आपके पर्सन बात नहीं कर रहे, आपके पर्सन की फीलिंग्स में एक साइलेंट ट्रीटमेंट है। नो कॉन्टैक्ट है, हो सकता है कि ब्लॉक भी हो सकता है कि आप लोग की कोई फाइट हुई हो लास्ट टाइम, उसके बाद से आप लोग की बात नहीं हुई है। ठीक है, कुछ ना कुछ है। बिल्कुल स्टेबिलिटी को लेकर आप लोग के रिलेशनशिप में कोई ना कोई बात हुई है, जिसको लेकर आपको लगा है कि शायद यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। आपके पर्सन को लगा है कि शायद आपके पार्टनर, अगर मेल है ये पर्सन, तो ये आपको स्टेबिलिटी अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, स्टेबिलिटी को लेकर इशू है आपके रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ कुछ कमिटमेंट, एटलीस्ट शादी ना हो तो यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से कमिटेड हैं, ये बात तो फिक्स हो, ये बात तो डन हो। आपका माइंड में ऐसा चलता है कि आप स्टेबल, कुछ स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। ठीक है, और ये पर्सन स्टेबिलिटी पे साइलेंट रहता है, खामोश रहता है। जब भी स्टेबिलिटी की, कमिटमेंट की बात आती है, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों को फिक्स करने की बात आती है, ये पर्सन अपने आप को स्टक समझता है। ठीक है, जैसे ये सब कुछ आपके रिलेशनशिप में, जब आप कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की, फ्यूचर की बात करते हैं, अपने फ्यूचर की, अपने मैरिज की बात करते हैं आप, तो ये पर्सन थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, खुद को उस सिचुएशन से पीछे कर लेता है, आपके रिश्ते से अपने आप को पीछे कर लेता है, या तो बात करना बंद कर देता है, या तो ब्लॉक कर देता है, या तो आप लोग की बातें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, एक बैक स्टेप कर लेता है, आपसे थोड़ा सा पीछे चला जाता है, एक कदम ही आपसे पीछे ले लेता है। अगर नॉर्मल हुआ हुआ है आप लोग का कनेक्शन, आप लोग बातें कर रहे हैं, तो सडन जब एक स्टेबिलिटी, एक फ्यूचर, एक मैरिज कमिटमेंट, या तो स्टेबल रिलेशनशिप की बात आती है, तो ये अपने आप को पर्सन स्टक समझता है, बंधा हुआ फील करता है, इसको लगता है ये इस पर आपसे बात नहीं कर सकता। ठीक है, आई डोंट नो वाई, लेकिन आप लोग के बीच स्टेबिलिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। शायद ये पर्सन, आपको स्टेबिलिटी चाहिए और ये पर्सन स्टेबिलिटी देना नहीं चाह रहा, या इसके लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ है जो प्रॉब्लमिस्टिक आपके रिलेशनशिप में है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में अभी जो फीलिंग्स है ना, आपके पर्सन की स्टेबिलिटी को लेकर चल रही है, और आपके पर्सन स्टेबिलिटी देने के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनके हालात ऐसे नहीं है कि वो आपको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। इस पर्सन को आपकी वर्थ का अंदाज़ा है, ये पर्सन आपकी वर्थ को समझता है, ये पर्सन की आप एक एम्प्रेस की तरह इस पर्सन की एनर्जी में, फीलिंग्स में नज़र आ रहे हैं। पर्सन आपकी वर्थ को जानता है। ठीक है, ये पर्सन कुछ आप लोगों के बीच जैसे कुछ फेज रहा है, कुछ एंडिंग हुई है, लेट्स सी, देखते हैं। दी वर्ल्ड क्लैरिफाई, बिल्कुल कोई क्लैरिटी आई है, कोई एक फेज ख़त्म हुआ है आपके रिलेशनशिप का, कोई एक हिस्सा ख़त्म हुआ है, कोई एक आप लोग कुछ देख रहे थे, बिल्कुल यहाँ पर कोई एक फेज एंड हुआ। ये पर्सन कोल्ड और डिटैच था। ठीक है, बहुत कोल्ड डिटैच था, कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, बात नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोग के बीच किसी तरीके की क्लैरिटी आई है। शायद आपको ही पता चल गया ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकेगा, शायद आप स्टेबिलिटी ना होने की वजह से सिचुएशन में अपने आप को क्लैरिटी दे रहे हैं, आप कोल्ड हो गए, आप डिटैच हो गए, क्योंकि आप चाहते हैं कि स्टेबल पार्टनर जो आपको प्रोवाइडर बने, जो आपका सपोर्ट करे, जो आपको बैलेंस दे, जो आपको मतलब कि जो आपके आप मेल हैं या फीमेल, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको इमोशनली सिक्योरिटी चाहिए, आप किसी की सिक्योरिटी चाहते हैं, आपको अपना पर्सन चाहिए, आपको एक पता होना चाहिए आप किसके साथ फ्यूचर में कमिट होने वाले हैं, आप किसके साथ कमिटमेंट आपकी होने वाली है, आप अपने फ्यूचर के लिए इस पर्सन से थोड़ा सा कोल्ड और डिटैच हुए हैं, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। शायद ये पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, वो साथ आपका नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं। आपने अपने आप को शायद इस सिचुएशन से डिस्टेंस किया है, आपने अपने आप को खुद कुछ क्लैरिटी दी है। ठीक
ठीक है, ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा मेच्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चल रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपकी वैल्यू और वर्थ जानते हैं। ये पर्सन जानता है आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, एक बहुत ज्यादा एक लविंग केयरिंग पर्सन है, आप एक फ्यूचर के लिए बेस्ट फ्यूचर स्पाउस की तरह है, मेल है या फीमेल है, आप एक अच्छा आप एक अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड बनने के लिए काबिल हैं। आप किसी के साथ भी रहें, इस पर्सन के साथ हो या किसी और के साथ हो, आप एक अच्छी वाइफ बन सकती हैं, आप अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं। ये पर्सन आपकी वर्थ को समझ चुका है लेकिन साइलेंट है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ये पर्सन क्या फील कर रहा है, कहीं इसका केमेंटली ब्लॉकेजेस है, किसी की रजामंदी चाहिए या किसी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कोई ना कोई बाहरी इशू है, मतलब कि मुझे नहीं लग रहा है इस पर्सन, शायद ये आपको खुलकर बात नहीं कर रहा है, शायद आपको लगता है इसी पर्सन का इशू है, लेकिन ये पर्सन कोई मतलब कि आपके आउटर इंटरफेयर है आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे कोई आउटर इंटरफेयर है। आप इस पर्सन को बेहद अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पर्सन के पास दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, आपके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो सकता है, इसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ स्टेबिलिटी दे, किस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। एक तरफ इसका लव है और शायद ऐसा हो सकता है एक तरफ यहाँ पर इसकी फैमिली चाहती है, थ्री ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी फैमिली चाहती है कहीं किसी रिश्ते में ये एफर्ट करे, किसी रिश्ते में ये बैलेंस बनाए। बिल्कुल आपके पर्सन के पास एक और कोई ना कोई ऑप्शन है, जहाँ पे आपके पर्सन को फोर्स किया जाता है या जहाँ पे आपके पर्सन की फैमिली या इनकी कुछ ना कुछ कुछ है, जहाँ पर इनके जैसे इसने जिस आपको आज तक जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया ना, इसने वही जो जगलिंग एनर्जी की वजह से नहीं दिया, इसको नहीं पता कि इसकी फैमिली आपके लिए हामी भरेगी या नहीं भरेगी, वो अपनी मर्जी से करवाना चाहेंगे, शायद फैमिली किसी ना किसी फैमिली में ही इस पर्सन की बात बात कर रही है, या तो इसने जैसे सुना है कि फैमिली कहीं और इस पर्सन की करना चाहती है, ठीक है, इस तरीके के थॉट प्रोसेस है। ये पर्सन शायद खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहा, इवन अपनी फैमिली से भी नहीं कर रहा, ये आपसे भी साइलेंट है, आपसे डिस्टेंस बना लेता है क्योंकि फैमिली के आगे बोल नहीं पा रहा, कुछ ना कुछ चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, इस पर्सन के पास आपके अलावा कोई और भी ऑप्शन है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, फाइव ऑफ वैंड्स, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बाहरी लोगों का इंटरफेयर है आपके रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी को लेकर खाली इस पर्सन की बात नहीं है, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, यहाँ पर बाहरी लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। ये जो आपको एक स्नेकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है ना, माइंड गेम्स स्टेबिलिटी को लेकर, बार बार एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़ देना और एक समझना ना, तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई इशू है, ये आउटर इंटरफेयर है, ठीक है। जो आपके आप लोग आप एक दूसरे को पसंद करते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो बाहरी लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे इस पर्सन की फैमिली हो गई, इर्द गिर्द के लोग हो गए, वो उसकी वजह से आपके रिश्ता ख़राब हो रहा है, लोग आपके रिश्ते में इंटरफेयर कर रहे हैं, इस पर्सन के माइंड को कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आपसे हो सकता है ये स्ट्रांगली फैमिली हो, कि फैमिली कुछ ना कुछ इस पर्सन को बोलती रहती है, अपनी मर्जी बताती रहती है, इसको समझ में नहीं आता फैमिली के सामने अपनी मर्जी कैसे रखेगी, क्या बोले उनको। क्लैरिटी है इस पर्सन को आपको लेकर, ठीक है, इसकी फीलिंग्स में क्लैरिटी है, इसको आपको लेकर क्लैरिटी है, लेकिन जो इर्द गिर्द में चल रहा है माहौल, वो इससे परेशान है। ये पर्सन एंजाइटी में है, स्लीपलेस नाइट में, इसको पता है अगर यहाँ पर ये फैसला हुआ कहीं और मूव ऑन करने का तो कम्प्लीटली ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कम्प्लीटली एक एंडिंग आ जाएगी इस रिलेशनशिप में। ये आपके इमोशंस को जानता है और अपने इमोशंस को भी जानता है कितने गहरे हैं आपके लिए, चाहे इसने आपको कभी बताए ना बताए, लेकिन इसके इमोशंस भी बेहद गहरे हैं, लेकिन एक ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, अपने इमोशनली पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करता है, लव फील करता है, लेकिन आँखों पर पट्टी बनी है, कोई सही रास्ता चूज़ करना है, कुछ ऐसा चूज़ करना है जो अपनी लाइफ में फ्यूचर दिखा सके, ठीक है, कुछ यहाँ पर अपने लिए डिसीजन मेकिंग करनी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द वालों की सुनता है, अपनी फैमिली की डोमिनेशन में रहता है, इसको अपने लिए कुछ चूज़ करना है, ये अब टाइम है इसके लिए चूज़ करने का, स्लीपलेस नाइट में है और आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हैवीली फील कर रहा है, लवर आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, ये स्ट्रक है आपके ऊपर, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी लाइफ में स्टक है, ये आपके साथ फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहा है, ये चाह रहा है कि हर चीज़ फिक्स हो जाए, उसके फेवर में वर्क करे, ठीक है, हर चीज़ फिक्स हो जाए अपनी अपनी जगह और इसके फेवर में काम करने लग जाए, एक मिरेकल हो और चीज़ें अपनी अपनी जगह फिक्स हो जाए, हर चीज़ इसको इतनी एफर्ट, इसको किसी से फाइट नहीं करनी पड़े, ये जो है ना फाइट करने से डर रहा है,
ये एक फेस करने से डर रहा है, एक प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम बनेगी एक फैमिली के सामने जो बात करनी पड़ेगी उसको फेस करने से घबरा रहा है ये पर्सन। वही यहाँ पे कोई मदर फिगर है जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रही है, आप एक दूसरे को, एक दूसरे का काउंटर पार्ट समझते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई और, एक मदर की वजह से ये पर्सन आपको एक कम्प्लीटली अप्रोच नहीं कर पा रहा, कम्प्लीटली ओपन अप होकर आपसे बात नहीं कर पा रहा, आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। इस पर्सन को पता है किंग क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, ये आपका किंग है और आप इसकी क्वीन है, मतलब कि इक्वल अट्रैक्शन, इक्वल पैशन, इक्वल लव इस पर्सन को पता है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप दोनों ही एक बहुत अच्छा ड्रेसअप करते हैं, मतलब कि हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। इस पर्सन को स्ट्रेंथ चाहिए अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करने की, यहाँ पे फैमिली बहुत ज्यादा, इस पर्सन को स्ट्रेंथ की नीड है, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन को स्ट्रेंथ की नीड है अपनी मदर से कम्युनिकेट करने की, कोई मदर है यहाँ पर, मदर फिगर है जो यहाँ पर इसको क्लैरिटी नहीं दिख रही, ठीक है। ये आपको ऑफर इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फोर ऑफ कप्स, आपने इसको रिसेंट वे में भी कहीं ना कहीं आपको हिंट दिया होगा आपने कि फैमिली कहीं और मैरिज करना चाह रही है, फैमिली कहीं और आपको, आपकी लाइफ को सेटल करना चाह रही, तो कहने का, बताने का मकसद इसको यही था कि आप क्या सोचते हैं। इसके पास क्लैरिटी है, ये आपके साथ अच्छा फील करता है, ये आपके साथ ये बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन जो ये आपको ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर ये अपनी मदर फिगर, यहाँ पे कोई मदर फिगर है होल्ड बैक कर रहा है जिसकी वजह से, ठीक है। चाहता है एक ट्रांजिशन की तरफ जाए, एक स्टेबिलिटी की तरफ ये रिलेशनशिप जाए, ये एक स्टेबल और एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरह ही सब कुछ देखे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशंस हैं इस पर्सन के आपको लेकर, गहरे इमोशंस हैं, ठीक है। कोई टॉक्सिसिटी है, कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कोई इसको कंट्रोल कर रहा है और ये उसके कंट्रोल में, कोई थर्ड सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर इस वक्त है। ये पर्सन किसी किसी टॉक्सिसिटी, किसी के कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से इस रिलेशनशिप से निकल कर गया है। इसके पास आपको लेकर क्लैरिटी है, इसको तकदीर, वक्त, डेस्टिनी ऐसा मौका दे आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे, एक मिरेकल हो या आपके साथ एक स्टार्ट करे, आपको अपनी मदर फिगर की वजह से एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई जैसे मदर फिगर है जो नहीं चाहती कि ये आपसे मैरिज करे या ये अपनी फैमिली से बाहर मैरिज करे, अगर इसने अभी बोला भी नहीं है तो। जैसे बच्चों को स्टार्टिंग में जैसे एक पहाड़ा पड़ा दिया जाता है कि बेटा बेटा आपने ऐसा ऐसा करना है, ठीक है, तो वही एक दबाव में है ये पर्सन। कंट्रोलिंग फैमिली है, डोमिनेटिंग फैमिली है, ये बार बार इस रिलेशनशिप से यूं अपनी किसी डोमिनेशन की वजह से वॉक अवे करके गया है। कोई टॉक्सिक फैमिली है इस पर्सन की, ठीक है। ये चाहता है, ये होल्ड बैक जो कर रहा है, ये जो सब कुछ अब तक जो इसने सब कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ है आपको बताए लेकिन नहीं बता पा रहा, ठीक है। ये स्टक है, आपसे वॉक अवे करके गया है, ये पर्सन बात नहीं कर रहा लेकिन स्टक है ये, ठीक है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में स्टक होके बैठा हुआ है, बहुत काम, एक समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए, मतलब कि एक विजडम गेन हो रहा है, डिवाइन इसको सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन इसका जैसे बहुत ज़्यादा विजडम दे रहा है। यहाँ पे साइलेंट है, इंट्यूशन से कनेक्शन है इस पर्सन का, इंट्यूटिवली इस पर्सन को गाइड किया जा रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, इसको स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी। ऐसा इंसान हो सकता है शायद अपने पेरेंट्स के आगे नहीं बोलता, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है, या तो बहुत एक अपनी मदर के बहुत करीब है, जो चीज़, जो पर्सन, जो एक मदर फिगर्स को डोमिनेट कर रही है उसके बहुत करीब है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डोमिनेट फैमिली लग रही है, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली, बहुत एक कल्चरल फैमिली, बहुत अपने कल्चर को फॉलो करने वाली, अपनी रिलीजियस को फॉलो करने वाली, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इसको अपने कल्चर, अपने कल्चर में भी दिखाए जा रहे हैं, मतलब कि मैरिज करनी है इधर कर लो, अपने कल्चर में भी दिखाए जा रहे हैं, अपने ही वो जो लाइफ है उसमें दिखाए जा रहे हैं इस पर्सन को कहा जा रहा है। लेकिन ये पर्सन साइलेंट है, हर्मिट मूड पर है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, कोई भी एक्ट नहीं कर रहा, खामोश है, बर्डन सम एनर्जी में, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहा। यहाँ पर ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, इसको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या करना चाहिए, ये रिश्ते में काम करना चाहता है लेकिन इसको अप्रूवल चाहिए अपनी फैमिली की, ये चाहता है फैमिली भी राजी हो। ये कोई फेज न्यू स्टार्ट नहीं कर सकता विदाउट फैमिली के, देखिए फैमिली एग्री ना हो, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, एक हीलिंग एनर्जी भी है इस पे पर्सन, मतलब कि इस पर्सन को डिवाइन एक एंजाइटी से सेफ कर रहे हैं, डिवाइन चाह रहे हैं एक एंजाइटी ना हो, ये कोई न्यू फेस, कोई आइडिया इसको चाहिए आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए, ऐसा क्या करे कि फैमिली इसकी आपके लिए मान जाए, इसकी फैमिली आपके लिए मान जाए, इसकी फैमिली इसको अपने ही कल्चर में, अपने ही कास्ट में ऑप्शंस दिखा रही है, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर दिए इसकी फैमिली ने। यहाँ पे कोई मदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये अपनी मदर के करीब है, मेल है तो बहुत ज़्यादा अपनी मदर के करीब है, अपनी मदर को बहुत ज़्यादा जैसे ये पर्सन लव करता है, बहुत
ज्यादा अंडरस्टैंड करता है, अगर फीमेल भी है तो यहाँ पर कोई मदर फिगर हो सकती है, ठीक है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, चैरियट के साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, लेकिन खामोश है, साइलेंट है, बर्डन सम है, अपने कैरियर पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ जैसे कुछ हल नहीं निकाल पा रहा इस रिश्ते का, क्या करे, करना तो बहुत कुछ है। आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है लेकिन फियरफुल, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली मदर मदरली यहाँ पे एक मदर की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे मदर रूल कर रही है इसके दिल दिमाग पे, जो इसका रिश्ता है ना जो अब तक आपसे कुछ कर नहीं पा रहा, जो आपके रिलेशनशिप में सडन कोई एंडिंग हुई है, सडन आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए, आप लोग की बातचीत बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, यहाँ पे इसने किसी फेयर की वजह से इस रिश्ते को बातचीत आपसे बंद करी है। आप इसकी विश हैं, ठीक है, आप इसकी विश हैं, ये चाहता है आपके साथ फ्यूचर हो, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये चाहता है व्हील आप लोग के रिलेशनशिप के फेवर में टर्न हो जाए, ठीक है, व्हील इस रिश्ते को सपोर्ट करे, ये आपके साथ एक लवर का रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ये चाहता है इस रिश्ते को एक लॉन्ग टर्म की तरफ ये देखना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। ये पर्सन आपको दिखा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं इस रिश्ते से वॉक अवे कर चुका हूँ, लेकिन सेवन ऑफ सोर्ड के साथ इस पर्सन की नज़र इस रिश्ते पर ही है, कम्प्लीटली इसकी नज़र इस रिश्ते पे ही है, फोकस इस रिश्ते पे है, लेकिन बस शो ये कर रहा है कि मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, जस्टिस, इस पर्सन को पता है इसने जस्टिस नहीं करा है, ठीक है, अपनी मजबूरियों की वजह से नहीं करा, किसी की वजह से नहीं करा, लेकिन इसने जस्टिस नहीं करा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आप इसकी विश हैं, ठीक है, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा एक ओवर इस पर्सन के जैसे ओवरफ्लो हुआ हुआ है इस इमोशंस का डेप्थ, ये जो एंडिंग हुई है ये एक रीबर्थ में चेंज करना चाहता है, ठीक है, डिवाइन पे इसने छोड़ के, डेस्टिनी पे छोड़ के आप लोगों की कम्युनिकेशन एंड हुई है, इसका दिल नहीं था इस बार आपसे दूर जाने का, आपसे डिस्कनेक्ट होने का, आपसे बातें खत्म करने का, क्योंकि जब ये आपसे बात करता है आपको होप मिलती है, ये भी आपके अंदर और कनेक्ट होना स्टार्ट कर देता है अपने आप को, जैसे इसका जैसे आपसे दूर जाना मुश्किल हो जाए, कोई एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच, जिसने ना चाहते हुए कुछ एंड किया डेस्टिनी पे सब छोड़कर, कि अगर डेस्टिनी में हुआ, अगर तकदीर में सब हुआ तो हमारी दोबारा बात होगी, हम लोग दोबारा एक साथ आएंगे, ठीक है, इसने डेस्टिनी पे छोड़कर आपसे कम्युनिकेशन एंड करी है, इसने डेस्टिनी की वजह से चीज़ों को एंड करा है, अगर डेस्टिनी में हुआ यहाँ पर कोई बैलेंस, ये पर्सन आपको हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देखता है, आप इसके लिए एक लवर हैं, ठीक है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ पर कोई मदर फिगर है जो दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं, इस पर्सन को ये रूल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही थी आप लोगों की, टेन ऑफ पेंटिकल, आप लोग अच्छे रिलेशनशिप में थे, सडन आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, यहाँ पर आप लोग अच्छी एक फ्रेंडशिप निभा रहे थे, आपको होप मिली थी शायद आप लोगों के बीच चीज़ें हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन एक जो एंडिंग हुई इसने डेस्टिनी पे छोड़कर करी, इसका दिल नहीं था, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, इस पर्सन की अटैचमेंट आपसे बढ़ती जा रही थी, इसने जानबूझकर ऐसा किया, ऐसा ना हो ये दूर ना जा सके, ऐसा ना हो ये आपसे बहुत ज़्यादा ये आप इसको आपकी आदत पड़ जाए ये और ये आपको कुछ ना दे सका तो फिर क्या होगा, इस चीज़ का गम था, ये कोई बुरा इंसान नहीं है, कुछ है जिसको स्टॉप कर रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने से, कुछ है जिसको रोक रहा है, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, वेट, थ्री सेंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन का नेक्स्ट मूव, आपके पर्सन इस वक्त कश्मकश में फंसे हुए हैं, ठीक है, अपनी फैमिली डोमिनेशन में है, आपके पर्सन को बस अपनी फैमिली के सामने बात करनी पड़ेगी, आपके पर्सन को अपनी राय रखनी पड़ेगी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, ये खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, ठीक है, एक पेनफुल एनर्जी में है ये इस वक्त, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जब से आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ आपके पर्सन के पास एक फ्लैशबैक है, बहुत सारी मेमोरीज हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपको लगता होगा ईगो है, बहुत ज़्यादा, देखिए ये पर्सन इंट्यूटिव हुआ है, इस पर्सन को इंट्यूशन बहुत ज़्यादा, एक जैसे सिंक्रोनिसिटी इस पर्सन को साइन दे रही है आपकी तरफ एक्शन ले, आपके लिए रिलेशनशिप के लिए फाइट करे, यहाँ पे एक ओवल की एनर्जी, मतलब कि यहाँ पर एक इंट्यूटिव एनर्जी है, रीयूनियन ऑफ सोल, इस पर्सन का आपने रियूनियन कराया अपनी सोल के साथ, ठीक है, आपका बहुत गहरा इस पर्सन के ऊपर असर है, आपके आपकी मेमोरीज को सोच रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस पर्सन की लाइफ में, स्ट्रगल है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये खुश है, नहीं, एंगर, बहुत गुस्से में है क्योंकि ये कर नहीं पा रहा, अपने इर्द गिर्द वालों के साथ भी इसका इसका मूड अच्छा नहीं, क्योंकि आपको वो नहीं दे पा रहा जो आप डिजर्व करते हैं,
ये चाहे जितना ही डोमिनेट कर रही हो, जितनी उनकी रिस्पेक्ट करता हो, एंगर इश्यू आ चुके हैं, ये पर्सन उनकी भी नहीं सुन रहा। अगर वो कहीं इसकी मैरिज करवाना चाह रहे, इसको ऑप्शन दिखा रहे, ये उनकी भी नहीं सुन रहा, ठीक है? क्योंकि आपके साथ ये एक न्यू डे, न्यू बिगनिंग, इसके दिल दिमाग में आपके लिए सिर्फ एक न्यू बिगनिंग चल रही है, ठीक है? ग्रोथ, इस पर्सन को ग्रोथ चाहिए इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में ये इसको ग्रोथ चाहिए, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, ठीक है? या आपके साथ किसी न्यू बिगनिंग की तरफ आना चाहता है। न्यू बिगनिंग देखें, न्यू बिगनिंग, न्यू डे, ये कुछ कुछ ना कुछ न्यू बिगिन, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए कर रहा है, ठीक है? ये चाह रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ की कंफ्यूजन से निकले। डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत डिवाइन टाइमिंग का रोल है यहाँ पे। न्यू डे, न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। हारमोनी योर एनर्जी, आप लोग के रिलेशनशिप में एक आपके रिश्ते की एक हारमोनी एनर्जी, आपके रिश्ते में एक हारमोनी एनर्जी आने वाली है, ठीक है? जो हारमोनी आपको दिखेगी, ठीक है? एसेंशियन, इस वक्त ये पर्सन बर्डन सम एनर्जी से गुजर रहा है, ठीक है? इस पर्सन को जैसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, ये जो चाहता है वो क्यों नहीं कर पा रहा। साइकिक डेवलपमेंट, एक साइकिक एनर्जी, एक इंट्यूशन, एक पुश एंड पुल का यहाँ पर गेम चल रहा है, ठीक है? ये कभी सोचता है कि अपनी फैमिली की मर्जी से कर ले, कभी सोचता है नहीं, आपको छोड़ नहीं सकेगा, इस टाइप की सिचुएशन है इस पर्सन के अंदर, ठीक है? मैं रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको जानकारी अबाउट मी तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।